दोस्तों, हरा भरा गांव आखिरकार क्यों उजड़ गया, क्यों पूरा वीरान हो गया, भूतिया गांव हो गया? आखिरकार इस गांव को किसने उजाड़ा? हेलो गाइस, क्या हालचाल आप सभी के? उम्मीद है बेहतर होंगे। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरा गांव। जी हाँ, वैसे अब गांव उजड़ चुका है, बहुत कम लोग गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको एक शेयर करवा देता हूँ कि आखिरकार गांव में घर कैसे होते थे और अब वो घर किस तरह से खंडर में तब्दील हो चुके हैं। तो चलिए सबसे पहले मेरा ही घर देख लीजिए। ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये मेरा घर है। और अब मैं आपको मेन रास्ता दिखा देता हूँ। ये है रास्ता और ये गांव का नज़ारा देखिए किस तरह से। अभी भी कच्चे मकान है और कच्चे मकान पर जो हैं खपरे हैं, ये आप देख सकते हो सामने। और अभी भी गाँव में हैंडपम्प होता है और ये गवर्नमेंट हैंडपम्प आप देख सकते हो, हम इसी से पानी भरते हैं और बहुत शुद्ध पानी आता है। और उसके बाद इस तरह से बारिश से बचने के लिए पल्लियाँ टांग लेते हैं ऊपर। ये जो आप देख रहे हो, अधिकांश मकान खाली है। जैसे ये मकान खाली हो चुका है, ये छोड़कर जा चुके हैं, ये मकान खाली होगा, ये मकान खाली होगा और वो मकान भी खाली होगा। यानी कि इस लाइन से जितने मकान दिख रहे हैं आपको, एक दो मकान को छोड़कर अधिकांश मकान खाली पड़े हुए हैं। इधर ये भी खाली पड़ा हुआ है, ये देखिए। और ये ऐसे जर्जर हो चुका है। और सामने और आपको दिखा देता हूँ मैं, ये बिल्कुल, ये जो आप देख रहे हो ना, ये सड़क, ये रास्ता, इसी पर लोग रहते हैं। इसी कह सकते हैं कि आजू बाजू में कुछ घर में लोग रहते हैं, बाकी पूरा गांव खंडर में तब्दील हो चुका है ऐसे। ये जैसे अब मैं आपको और दिखाता हूँ, ये देखिए ये खंडर हो गया है। ये पहले बहुत कह सकते हैं परिवार यहाँ रहते थे, लेकिन अब खंडर हो गया। ये मकान खंडर हो गया, इधर सामने खंडर हो गया है, उधर वो देख रहे हो आप, वो खंडर हो गया है, इधर आप ये देख रहे हो, ये खंडर हो चुका है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस मकान में कोई नहीं रहता है, ये भी खंडर पड़ा हुआ है ना। इतनी बड़ी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसके बावजूद भी इसमें कोई नहीं रहता है ना। ये मकान है, ये भी खाली पड़ा हुआ है, इसमें भी कोई नहीं रहता है ना। और ये जो है ये भी बिल्कुल खाली। इधर मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल इधर खंडर हो चुके हैं और कोई रहता नहीं है। एक्चुअली सारे लोग छोड़कर, ये मकान खंडर हो चुका है, इसमें भी कोई नहीं रहता है। इधर ये देख लो, इधर भी कोई नहीं। और ये भी मकान खंडर ही खंडर आपको दिखेंगे यहाँ पर, ये बिल्कुल, ये पूरा मकान खाली पड़ा हुआ है इधर, है ना, इसमें भी कोई नहीं रहता है। और ये देखिए ऊपर, ये भी खंडर हो चुका है, इतना बड़ा मकान। और मैं आपको दिखाता हूँ, और देखिए ये मकान है, ये बहुत पुराना मकान था, ये भी बिल्कुल खंडर हो चुका है। ये सामने भी मकान है, वो भी खंडर हो चुका है। ये मकान बिल्कुल, इसमें भी कोई नहीं रहता, ये भी खंडर है। इधर सारे मकान ध्वस्त हो चुके हैं, सारे मकान गिर चुके हैं। उधर भी आप देख लो, वो भी मकान आपको खंडर दिखेंगे ना। ये और आपको दिखाता हूँ, यानी कि पूरा गाँव बंजर हो चुका है, खंडर हो चुका है। ये देखिए, ये बिल्कुल डैमेज आप देख सकते हो। ये पूरा गांव था, हरा भरा गांव था। मैं आपको पूरा घुमा देता हूँ एक बार, ये देखिए, ये भी बिल्कुल खंडर ही खंडर। आपको ये मकान ज़रूर बना हुआ है, लेकिन इसमें कोई रहता नहीं है ना। इधर भी मकान में, इधर भी खंडर, ये ना, चारों तरफ जैसे कोई बमबारी हुई है और बिल्कुल खंडर हो गए हैं। और जैसे यूक्रेन में हालत हुई ना, सेम आपको वैसी देखने को मिलेगी, है ना। पूरे गांव का नज़ारा ये है, अंदर गांव में कोई नहीं रहता है, बिल्कुल डर लगता है, भूतिया गांव हो चुका है एक तरह से। ये देखिए, ये भी डैमेज हो चुका है, ये सामने के मकान में कोई नहीं रहता है। ये इधर आप देख सकते हो, ये भी पूरी तरीके से ध्वस्त टूट चुका है। और आपको लेके चलूं तो इधर देखिए, बिल्कुल ये वो आपको एक दिख रहा है, उसमें भी कोई नहीं रहता है, खंडर पड़ा है, वो भी बंद पड़ा है। उधर भी मैं आपको लेके चलूंगा, ये देखिए पूरी तरीके से खंडर ही खंडर हो गए हैं। ये बने हुए थे बिल्कुल, लेकिन अब खंडर में तब्दील हो गए हैं ये। चलो और मैं आपको अंदर इधर से दिखा देता हूँ,
ये मकान बिल्कुल बंद पड़ा है, इसमें भी कोई नहीं है, है ना। ये मकान ये भी बंद पड़ा हुआ है, खंडर पड़ा हुआ है, ये देख सकते हो आप ना, ताला लगा हुआ है। इधर मकान, इधर भी खंडर ही खंडर आपको देखने को मिलेंगे, ये खंडर हुआ पड़ा है, आप देख सकते हो। जैसे इस पर बहुत भारी कह सकते हैं कि भूकंप आया हो जिसमें सारा ख़त्म हुआ हो। ये देखिए ना, ये बिल्कुल खंडर ही खंडर में तब्दील, ये ऐसे है ना, ये कुछ भी नहीं बचा, सारा ख़त्म हो गया। और मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर भी कुछ भी नहीं, ये भी खंडर बिल्कुल। और इधर तो बिल्कुल डर लगता है जैसे कोई भूतिया इलाका हो या कुछ ऐसा हो। एक वक्त था तब यहाँ पर हरा भरा गांव था पूरा, 2000 से ज़्यादा पब्लिक रहती थी, लेकिन अब इस गांव में मुश्किल से 400-500 लोग रहते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। तो कहाँ गए भागकर, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दरअसल ये जो सारे लोगों का आप खंडर मकान देख रहे हैं, ये गांव से निकल निकल कर खेतों पर जा बसे हैं, यानी कि खेत पर, ऐसे नहीं कि कोई अलग गांव बसा लिया। किसी का खेत 5 किलोमीटर दूर है वहां उसने घर बना लिया, किसी का 10 किलोमीटर दूर है उसने वहां बना लिया, यानी कि बिल्कुल बिखर गए हैं। जो गांव होता है ना, वो गांव बिल्कुल बर्बाद हो गया, कह सकते हैं कि बिखर गया ना। तो इस तरह से गाँव का पूरा नज़ारा है ये, और तकलीफ़ होती है देख कर कि यार क्या हालत हो चुकी है। दोस्तों अब मैं एक बिल्डिंग के ऊपर आया हूँ जो बिल्कुल खंडर हो चुकी है और बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, यानी कि मुझे डर लग रहा है इसके ऊपर आकर के कहीं ये धराशायी ना हो जाए, गिर ना जाए। तो मैं इस बिल्डिंग के ऊपर से आपको कहीं ना कहीं गांव का एक व्यूज़ दिखाता हूँ कि आखिरकार मेरा गाँव कैसा बिल्कुल बंजर हो गया है, क्योंकि ये बिल्डिंग सबसे बड़ी बिल्डिंग है हमारे गाँव की, बहुत पहले की बिल्डिंग है, लेकिन ये भी बिल्कुल बंजर पड़ी हुई है, इसमें कोई नहीं रहता है। तो देखिए गाँव का नज़ारा ये है। तो दोस्तों इस तरह से मेरे गांव जो हैं वो तबाह हुआ है, और इस तबाही के पीछे एक ही कारण है कि लोग अब गांव में नहीं रहना चाहते हैं, गांव को छोड़कर अपने खेतों में जाकर बस गए हैं। लेकिन गांव तो गांव होता है यार, हम तो अभी भी गांव में रहते हैं, हम खेत पर जाकर नहीं बसे हैं। लेकिन जब गाँव में कोई रहेगा ही नहीं तो हमें भी मजबूरन एक ना एक दिन खेत पर जाकर बसना पड़ेगा। तो मेरा गाँव जो बहुत, जिसमें मेरा बचपन बीता और चारों तरफ लोग ही लोग नज़र आते थे और बहुत शानदार माहौल रहता था, बहुत सारे दोस्तों के साथ खेला करते थे, किसी भी घर में जाकर खाना खा लेते थे, कहीं भी सो जाते थे, लेकिन अब वो सब कुछ, सारे सपने सिर्फ सपने रह गए। अब तो बिल्कुल गांव जैसे रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया, पूरा यूक्रेन बर्बाद हुआ ना, या कोई भूकंप में पूरा शहर नेस्त नाबूद हो जाता ना, कुछ इस तरह से ही मेरा गाँव हो चुका है। तो बहुत दुख होता है यार, बहुत दुख होता है। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर हमारा व्लॉग ठीक ठाक लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय।